नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनुपम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं जा रही हूँ बनाने लंच, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। वैसे तो जब उनका ऑफिस रहता है तो मैं 9:30 तक पूरा खाना बना लेती हूँ, लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन ऐसा नहीं करती हूँ। उस दिन पहले नाश्ता, फिर उसके बाद दोपहर में लंच, तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। छुट्टी के दिन काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा लेट भी हुआ है आज, क्योंकि मैंने बड़ा ही बुलाया हुआ था। घर पे थोड़ा काम था मुझे, बेड मेरा थोड़ा ठीक नहीं था, उसी को ठीक करा रही थी, तो काफ़ी उसी में टाइम गया। उसके बाद साफ़ सफाई की, तो इसी वजह से थोड़ा लेट सब कुछ होते चला गया। छुट्टी के दिन काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से। तो अब मैं चलती हूँ लंच बना लेती हूँ। यहाँ सबसे पहले आके किचन में मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की बहुत ही सिंपल और टेस्टी सी सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने एक प्याज काटा है, एक हरी मिर्च और 10-12 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक घिस लिया है। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने सरसों का तेल डालकर, तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा मेथी दाना डाला है। जैसे ही मेथी दाना चटकने लग गया है मैंने उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, और उसके बाद मैं इसमें जो हरी हुई कटी हुई मिर्च और लहसुन है वो सब भुनने के लिए डाल दे रही हूँ। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तब इसमें थोड़ा सा जो मैंने प्याज काटा है उसको मैं ऐड कर ले रही हूँ, और जो अदरक था उसको भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। सब कुछ मैं इसमें काट कर ही बना रही हूँ, क्योंकि आलू उबला हुआ है तो फिर सब्ज़ी हमारी वैसे ही गाढ़ी बनेगी, इसमें कुछ भी पीस कर डालने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर लिया है, और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, क्योंकि गरम मसाला मैंने घर में ही तैयार किया है तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मसाला भुनने के लिए। मसाला जैसे ही भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। यहाँ मसाला भुन गया था, मैंने आलू ऐड कर दिया है, और उसके बाद आलू को मसाले के साथ भी थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी। तुरंत मैं ग्रेवी के लिए इसमें पानी नहीं डालूंगी, कुछ देर भूनने के बाद यहाँ ढककर मैं भून ले रही हूँ। और जैसे ही ये भून जाएगा, यहाँ देखिए ये जैसे ही भून गया उसके बाद मैंने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है। थोड़ा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, सब्ज़ी अच्छी बने इसलिए बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं ऐड किया है, जितनी ज़रूरत थी उतना ही पानी ऐड किया है। और जब ये यहाँ देखिए, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अकॉर्डिंग। और आज मैं मीठे में सेवई बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने लिया है भगोने में 1/2 किलो दूध, अमूल का दूध है विथ क्रीम, और इसी में मैं सेवई बनाऊँगी। यहाँ मैंने गैस पे दूध को चढ़ा दिया है, और मैंने ली है रोस्टर सेवई है, ये रेडी टू कुक होती है, पहले से ही भुना हुआ होता है, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूध उबल गया है, दूध के उबलते ही मैं इसमें अब सेवई जो मैंने प्लेट में निकाल के रखी है उसको मैं डाल दूँगी। यहाँ देखिए सेवई पक गई है। अब जो भी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स, नारियल और बादाम और काजू जो मैंने काट के रखे थे वो सब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है, और सब्जी पक गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको उतार लिया है, और 4 से 5 आलू मैंने बॉयल करते टाइम और बॉयल किया था, जिससे मैं इसी पूड़ी बनाऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनती है, जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ तो ऐसी ही बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी कभी ना कभी बनाइएगा। मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, उसमें 4 से 5 मैंने कद्दूकस किया हुआ आलू लिया है जो कि मैंने उबाला था पहले ही, और उसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है, और थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ, और इस सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले अगर ये आलू से ही आपका आटा लग जा रहा है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि अभी इसमें पानी की ज़रूरत है, तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पानी ऐड किया था क्योंकि पूरा उससे नहीं हो रहा था। तो यहाँ देखिए आटा लग के तैयार हो गया, अब मैं इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी। और इस तरीके से जब भी मैं बनाती हूँ पूड़ी, ऐसी ही पूड़ी बनाती हूँ,
तो ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। हल्का फुल्का नमक पड़ा रहता है, फिर आलू भी रहता है तो उसका भी स्वाद आता है, कुछ थोड़ा बहुत मसाले और सबका जो टेस्ट होता है वो एक अलग ही टेस्ट लेके आता है। तो इसलिए कभी भी मैं सादी पूड़ी नहीं बनाती, जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं ऐसी ही पूड़ी बनाती हूँ। क्रंची होती है काफ़ी और सॉफ्ट भी होती है, तो ऐसे ही मैं पूड़ी बनाती हूँ। पानी कभी कभार ऐसा होता है कि पानी भी नहीं लगता है तो चलता है लंबा। ये देखिए ऐसे ही मेरी सारी पूड़ियाँ अब तल के निकाल लूँगी। और इसको बेलने के लिए मैंने तेल का यूज़ नहीं किया है, मैंने आटे का यूज़ किया है, क्योंकि आलू था ऐड किया हो तो चिपकने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने आटे को लगा के फिर इसको बेल बेल के पूड़ियाँ निकाली हैं, मैंने तेल की मदद नहीं ली है। वैसे ही मैं सारी पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है इस तरीके की, आप कभी ट्राई करिएगा। सारा खाना तैयार है, सब कुछ बन गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म सेवई, और दूसरे में है, इसमें है आलू टमाटर की ग्रेवीदार सब्ज़ी और पूरी, तो आप देख ही रहे हैं। अब मैं इन सबको सर्व करके और दे के आती हूँ हस्बैंड को अपने, और ख़ुद भी लंच करने के बाद उसके बाद मिलती हूँ। और जो मैंने आपको बताया था ना कि सलवार और कुर्ता की कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो देखिए ये सलवार कुर्ता तो मैंने सिल के तैयार कर लिया, और इसका वीडियो भी बहुत मेहनत से मैंने बनाया था, लेकिन हस्बैंड के फ़ोन में बनाया था तो वो वीडियो मुझे अब मिल नहीं पा रही है। लेकिन मैं ये सलवार कुर्ता आपको पहन के दिखा रही हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर और कैसा मैंने सिला है। मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया था लेकिन ये नहीं मिल पाया, लेकिन आप देख के बताइएगा कि कैसा बना है। दोबारा कोई कुर्ता काटूंगी तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। देखिए आप लोग, कुर्ता मैंने सिल के तैयार कर लिया है, और आप लोग बताइएगा कि कैसा सिला है और मुझ पर कैसा लग रहा है। कोशिश की है मैंने अच्छा बनाने की, और बस ये, लेकिन एक दिन में नहीं सिला है, इसको सिलने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए। मैंने थोड़ा 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 करके सिल रही थी, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो वीडियो 2 दिन का आपको मिलेगा इसमें। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।